व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन इन फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरॉन क्या है? तो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स को जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली शॉर्ट वीडियो देखो, इसमें मैंने सारे टाइप्स को कैटेगरीज के आधार पर बताया है। तो चलो मेन पॉइंट पर आते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्ते, मैं हूँ शुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीमोरॉन के बारे में। ऑक्सीमोरॉन बहुत ही स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं को साथ साथ रखा जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपके कॉन्वीनियंस के लिए हिंदी में एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे वो रात दिन मेहनत करता है, सुनीता सच झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेती है, सभी जगह अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। तो ये जो युग्म शब्द है, जैसे रात दिन, सच झूठ, अच्छे बुरे, यहाँ आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे रात दिन, सच का झूठ, अच्छे बुरे, तो इसे साथ साथ रखा गया है। तो यही एक ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल्स है। अब ऑक्सीमोरॉन का डेफिनेशन देखो। ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। जिसका मतलब है कि ऑक्सीमोरॉन एक स्पेशल फॉर्म है एंटीथेसिस का, जिसमें दो विरोधात्मक गुणों को एक ही चीज का एक ही समय में भविष्यवाणी करता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ एंटीथेसिस का जिक्र क्यों हुआ है? तो वो इसलिए कि एंटीथेसिस भी फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप है। इसका इस्तेमाल भी ऑक्सीमोरॉन की तरह राइटिंग में कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट लाने के लिए किया जाता है। अब ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अब ऑक्सीमोरॉन के कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। जैसे ऑफुली गुड, ग्रो स्मॉलर, ओनली ऑप्शन, ओरिजिनल कॉपी, क्लोज डिस्टेंस, सेम डिफरेंस। यहाँ नोटिस करना कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मुझे यकीन है कि आपको ऑक्सीमोरॉन समझ में आ चुका है, राइट? देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।